प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 4 JCERT रोचक गणित पाठ पुस्तक में पाठ 3 जोड़ के प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चा, आप सभी पाठ 1 पाठ 2 वाली वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लीजिएगा बच्चा, जिसमें से मैंने बहुत ही शानदार तरीके से आपको वृत्त के बारे में बताया है, संख्याओं में बड़ी संख्या को पहचाना, छोटी संख्या को पहचाना, बढ़ते क्रम में लिखना, घटते क्रम में लिखना, सभी को अपने अच्छे से करवाया है। आप कैसे देखिएगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हो। ठीक है बच्चा, तो चलिए अब हम इसके बाद पाठ 3 को प्रारंभ करते हैं। पाठ 3 का नाम है जोड़। तो आप सभी जोड़ कक्षा दूसरी से पढ़ते आ रहे हो, या फिर आप दूसरी से नहीं, पहली से ही पढ़ते आ रहे हो। जैसे मैंने आपको कहा कि बच्चा बताओ कि आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं, तो आप बोलोगे कि सर हमारे हाथों में तो 10 उंगलियां हैं। तो आप क्या किए, सब उंगली को गिने, 1 2 3 4 इस तरह करके गिने। मैं आपसे एक और प्रश्न करता हूं कि बच्चा आपके पास एक पेंसिल है, आपके दोस्त के पास दो पेंसिल है, तो बताइए कि आप दोनों के पास कुल मिलाकर कितने पेंसिल हैं। तो आप बोलोगे कि सर 2 और 1 3 पेंसिल है, हम दोनों के पास कुल मिलाकर 3 पेंसिल है। तो बच्चा जोड़ का अर्थ होता है कि चीज़ों को एक साथ लिख देना, एक साथ गिनना। ठीक है, अलग अलग चीज़ों को एक साथ गिनना जोड़ कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें संख्याओं को जोड़ना है। पिछली कक्षाओं में आपने 1 अंक वाली संख्या को जोड़ना, 2 अंक वाली, 3 अंक वाली संख्याओं को जोड़ना, अब हम लोग बच्चा 4 अंक वाली संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे। क्योंकि आप अब तो थोड़े बड़े हो गए हो तो आप 4 अंक वाली संख्याओं को जोड़ सकते हो। और देखिए बच्चा, जोड़ना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपके पास सामने प्रश्न दे रखा है, 1234 5643 को जोड़ना है। तो किस प्रकार जोड़ेंगे सर, सबसे पहले इकाई के अंकों को जोड़ते हैं बच्चा। इधर से यहाँ पे कितना है, 4 4, और नीचे कितना है, 3। कैसे करेंगे, तो आप नहीं जानते हो तो सबसे पहले ऊपर में है 4, एकदम शुरू से समझाऊंगा बच्चा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जुड़े होते हैं जो कि मैथ से बहुत डरते हैं, तो उनके लिए है बच्चा शुरू का प्रश्न। तो यहाँ पे 4 है और यहाँ 3 है, कैसे जोड़ेंगे इन दोनों को बताइए। सबसे पहले यहाँ 4 है तो 1 2 3 4 लाइन खींच लेंगे, यहाँ कितना है, 3, तो 1 2 3 लाइन खींच लेंगे। अब टोटल कितने हो गए, सभी को गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए सर, तो यहाँ 7 लिख देंगे, यानी इधर जोड़ने पर आ गया है 7, तो यहाँ लिख देंगे 7। इसे आप लोग उंगलियों पर भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे 4 और 3 दे रखा था, तो फिर से एक बार देख लेते हैं, 4 है तो आप लोग 4 के बाद 3 तक आओ, अब तो 4 है, नीचे कितना है, 3, तो आप लोग 3 उंगली निकाल लो, ऐसे 1 2 3 उंगली निकाल लीजिए, 4 के 5 गिनने बाद गिनिए, 5 6 7, तो 7 लिख देंगे सीधा, तो यहाँ पे क्या आ गया, 7। फिर से यहाँ पे कितना है, 3 और 4, तो 3 के बाद 5 6 7, यहाँ पे 3 के बाद 4 5 6 7, फिर से 7 होगा, 6 और 2 कितना होगा, 6 7 8, 8 लिख देंगे, 5 और 1 6 कितना होगा, 6। तो पहले इकाई के अंकों को जोड़ना है, फिर दहाई के अंकों को, फिर सैकड़े के अंकों को, और सबसे लास्ट में यहाँ पे हजार के अंकों को जोड़ना है। क्लियर है, चलिए इतने प्रश्नों को हम जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। तो 8 और 1 कितने हो गए, 9, 7 और 2 7 8 9, 6 और 3 6 7 8 9, 5 और 4 9, तो इसे पढ़िए क्या हुआ, ये 9999, 6 और 2 इधर 8, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 5 और 2 7, तो यहाँ पे कितने हुए, 7998, फिर इसमें है 4683, 5312, जोड़ेंगे तो इकाई के अंकों को जोड़ते हैं, 3 और 2 5, 8 और 1 9, 6 और 3 9, 5 और 4 9, तो 9995। यहाँ तक तो था कि इसमें 2 ही संख्या को जोड़ना था, यदि 3 संख्याओं को जोड़ना रहेगा तो किस प्रकार जोड़ेंगे सर, इसी प्रकार से जोड़ेंगे बच्चा। यहाँ पे दे रखा है 3154, 3322 और 1001, सबसे पहले इकाई को अंक जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 4 और 2 कितने हो गए, 4 और 2 6, और यहाँ नीचे 1 है तो 7,
सात लिख देंगे यहाँ पे। अब दहाई के अंकों को जोड़ेंगे, पाँच और दो सात, यहाँ पे शून्य है तो सात और शून्य को जोड़ेंगे तो सात ही होगा, तो सात लिख देंगे। तीन और एक चार हो गए, तीन तीन छः और एक सात, तो 7477 होगा। इसमें जोड़िए तो छः और तीन नौ, सात और एक आठ, आठ और एक नौ, छः दो आठ, आठ पाँच तेरह। अब यहाँ पे देखिए बच्चा, यहाँ पे आ गई दो अंकों की संख्या, तेरह में एक और तीन दो अंक होता है। तो आप कभी भी इकाई के अंकों को जोड़िए, दहाई के अंकों को जोड़िए, सैकड़ा के अंकों को जोड़िए, तो यहाँ पे आप कभी भी बीच में या दो अंकों की संख्या नहीं लिखिएगा। जब भी दो अंकों की संख्या आ जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, हाथ में रखिएगा। सो तो तेरह का तीन लिखेंगे, हाथ में एक रखेंगे, पाँच और एक छः था, हाथ वाला एक सात, तो इस प्रकार से जोड़ना है। मैं आपको एक प्रश्न पैंचा वाला भी करवा देता हूँ ताकि आपको डाउट्स क्लियर हो जाए। देखिए बच्चा, भारतवर्ष क्लासेस में आपको चीज़ें समझाई जाती है, सिखाई जाती है, ना कि सिर्फ आपको प्रश्न के उत्तर बताए जाते हैं। मैं चाहता हूँ तो आपके पाठ्यपुस्तक में जितने भी प्रश्न हैं सभी के उत्तर आप सभी को लिख देता, आप उसे देख करके नोट कर लेते। लेकिन क्या बच्चे, आप उस तरह से चीज़ों को समझ पाइएगा? नहीं समझ पाइएगा। यदि आपसे कोई पूछ लेगा कि इन्हें जोड़ के बताओ, तब तो आप फंस जाइएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि आपको चीज़ों को समझना, आपके सामने इसी तरह के जोड़ के कोई भी प्रश्न दे दे, आप आसानी से कर लोगे। चलिए एक बात हम लोग पैंचा वाला सीख लेते हैं। इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले इकाई के अंकों को जोड़ेंगे इधर वाले, तो देखिए नौ और तीन, तो नौ दस ग्यारह बारह, बारह और आठ, बारह और आठ बीस, बीस का जीरो और हाथ में दो, इधर हाथ में रख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आठ नौ दस ग्यारह, ग्यारह और सात कितने हो गए, ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह, अठारह और दो बीस, बीस का फिर जीरो और हाथ में दो, बीस का जीरो और हाथ में कितना बचा, दो बचा। फिर यहाँ पे लिखेंगे सात और यहाँ पे भी सात, सात सात चौदह पंद्रह सोलह सत्रह, सत्रह और दो उन्नीस, उन्नीस का नौ, हाथ में एक बचा, हाथ में कितना बचा, एक बचा। हाथ में तब तक रखना है जब तक यहाँ अंतिम का जो अंक है वो आप दो अंक में लिख सकते हो, बाकी सभी एक अंक के लिखने हैं। पाँच चार नौ एक दस और एक ग्यारह, तो ग्यारह हजार नौ सौ आएगा। क्लियर है बच्चा? तो आशा करता हूँ कि आपको चार अंकों वाले जोड़ समझ में आ गए होंगे। आपके पाठ्य पुस्तक में अभ्यास के बहुत सारे प्रश्न दे रखे हैं, आप उन्हें ज़रूर अभ्यास कीजिएगा। इसके बाद अगला पृष्ठ निकालिए। अगला पृष्ठ में दे रखा है समझिए एवं खाली स्थानों में भरिए। तो यहाँ पे आपको जो प्रश्न दे रखे थे ये इस प्रकार सजा के रखा था, तो इस प्रकार के प्रश्नों को सबसे पहले आप किस तरह कीजिएगा, देखिए यहाँ पे दे रखा है 3054 और 6320। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इकाई के अंकों देखते हैं। तो इसमें देखिए बच्चा, सबसे पहला प्रश्न एकदम धीरे धीरे से समझेंगे। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, इसका चार है और इसका क्या है, जीरो। चार और जीरो को जोड़ेंगे तो चार इकाई का अंक जोड़ लिया। फिर हमने दहाई के अंक को जोड़ना है, दहाई का अंक पाँच है, इसका दहाई का अंक दो है, पाँच और दो कितना होगा, पाँच और दो सात होगा, तो सात लिख देंगे। यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे तीन है, जीरो और तीन तीन होगा, तीन है और छः थे तीन नौ, तो इस प्रकार आप बिना सजाए भी इस प्रकार जोड़ सकते हो, ठीक है। दूसरा प्रश्न है चार और यहाँ जीरो, तो चार जीरो चार, एक और तीन, तीन और एक चार, तीन और तीन छः, और पाँच और तीन आठ, तो आठ हजार छः सौ चवालीस, पाँच हजार सात सौ बावन, तीन चार हजार इकतीस, पाँच हजार सात सौ बावन, चार हजार इकतीस। तो इकाई का अंक है यहाँ दो और यहाँ एक, दो और एक तीन, यहाँ पाँच और यहाँ तीन, पाँच और तीन आठ, यहाँ सात और यहाँ जीरो, सात और जीरो सात, यहाँ पाँच और यहाँ चार, पाँच और चार नौ, तो सात यहाँ पे आया नौ हजार सात सौ तिरासी। फिर आठ हजार सात और चार हजार छः सौ इकहत्तर, तो इकाई का अंक यहाँ सात और यहाँ एक, सात और एक आठ, यहाँ जीरो और सात, जीरो और सात सात ही होगा, यहाँ जीरो और यहाँ छः, जीरो और छः छः होगा, यहाँ आठ और यहाँ चार, आठ और चार बारह, यानी बारह हजार छः सौ अठहत्तर होगा, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे तीन संख्याओं को जोड़ना है, तो सबसे पहले हम लोग इकाई के अंक को जोड़ते हैं। यहाँ पे इकाई का अंक शून्य, यहाँ चार और यहाँ एक, शून्य चार और एक, तो शून्य तो शून्य होगा, चार और एक पाँच, तो इकाई का अंक पाँच आया। दहाई में से यहाँ पे है एक, यहाँ दो, यहाँ दो,
तो दो और दो चार और एक पाँच, तो पाँच होगा। यहाँ चार, यहाँ शून्य और यहाँ भी शून्य, तो शून्य को तो हटा दीजिए, सिर्फ चार लिख देंगे। और यहाँ दो, एक तीन और यहाँ चार, तीन और चार कितने हुए सात, तो सात, 7455। 1100, 1010 और 1001, सबसे पहले इकाई का अंक को जोड़ेंगे, यहाँ जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ एक है, तो केवल एक होगा इकाई में, दहाई में जीरो एक जीरो, तो फिर से एक ही होगा। फिर यहाँ एक, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, फिर से एक होगा। और यहाँ पे हज़ार में है एक एक एक, एक दो तीन, 3111 होगा बच्चा, ठीक है। अब इधर वाले बॉक्स में भरिए, 4030 में जीरो जोड़ेंगे। तो हमने देखा कि दहाई में, इकाई में यदि जीरो आ रहा था तो वही संख्या हो रही थी, तो यही संख्या होगी 4030। जीरो में 65 जोड़ेंगे तो 65 ही होगा। 50 और 40 को जोड़ना है तो सबसे पहले इकाई का अंक को जोड़ेंगे, जीरो और जीरो जीरो हो गया, पाँच और चार नौ हो गया, यानी 90। अब इसमें देखिए 5338 में कितना जोड़ें कि 6004 आ जाए। इस प्रश्न से आप लोग घटाओ के भी प्रश्न को सीख लोगे। एक काम तो है कि आप इसमें देखिए कि कितना जोड़ा जाए, या फिर है कि आप यहाँ पे 6004 में से इस संख्या को घटा दीजिए, जो आएगा वही जोड़ना होगा। तो हम लोग 6000 में से 5338 को घटा देते हैं। सबसे पहले इधर से घटाते हैं, चार में से आठ नहीं घटेगा, इससे एक पैंचा लेंगे तो होगा 14, 14 में से आठ घटाएंगे तो बचेगा 6। यहाँ पे पहले से ही शून्य था, ये बगल वाले से पैंचा नहीं ले सकता है, ये बगल वाले से पैंचा लेगा, तो यहाँ से पैंचा लिया 10, 10 में से इसको पैंचा दिया तो ये पहले से इसको पैंचा दिया था, 9 में से 3 गया तो 6, फिर इसमें से 9 में से 3 गया तो 6, 666, यानी 5338 में से 666 जोड़ेंगे तो 6004 होगा। अब देखिए 5003 में से कितना जोड़ेंगे कि 5008 होगा, तो यहाँ पे कितना है 3 और यहाँ पे 8 हो गया, दोनों संख्या तो समान है, यहाँ भी 500 है, यहाँ भी 500 है, अंतिम का अंक बदला है, तो 3 में कितना जोड़ेंगे कि 8 हो जाए, 3 4 5 6 7 8, 5 जोड़ना होगा तो केवल 5 लिख दीजिए। 9999 में कितना जोड़ेंगे कि 10000 हो जाए, तो यहाँ पे देखिए एक जोड़ना है तो एक लिख देंगे। तो इस प्रकार आप लोग बॉक्स को भर लीजिए बच्चा। अगला प्रश्न दे रखा है, मौखिक जोड़कर लिखिए। मौखिक हमें जोड़कर लिखना है, तो जैसे यहाँ पे दे रखा है 3000 और 7000, सबसे पहले देखना है कि यहाँ भी हज़ार है, यहाँ भी हज़ार है, तो 3 और 7 कितने हुए, 3 और 7 हुए 10, तो 10000 हो जाएगा। 5000 और 8000, 8 5 कितने हुए 8 9 10 11 12 13 हुए, तो 13000। 2000 और 13000, 13 और 2 कितने हुए 15, तो 15000। 17000 और 3000, 17 और 3 20, तो 20000। 15000 और 14000, 15 और 14 कितने हुए जल्दी से बताइए, 15 और 14 हुए 29, तो 29000, ठीक है बच्चा। इसके बाद के जो प्रश्न है बच्चा, जिसमें हम लोग एक अंक वाली संख्या, सबसे छोटी एक अंक वाली संख्या, सबसे बड़ी एक अंक वाली, दो अंकों वाली, तीन अंकों वाली, इन सभी को देखेंगे, और इससे संबंधित जो भी प्रश्न है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आशा करता हूँ कि आपको जोड़ के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो या कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो बच्चा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बच्चा वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।